हिंदुस्तान में छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट एकदम नया है। हालांकि मेट्रो सिटीज सुविधाओं के लिहाज से काफी आगे हैं, आखिर स्मार्ट सिटीज में ऐसा क्या होगा जो वो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से अलग होंगी, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आखिर कैसी होती है स्मार्ट सिटीज और क्यों मोदी ने देखा है देश के लिए ये स्मार्ट ड्रीम। मोदी सरकार देश में इसी तरह के 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की तैयारी में है। स्मार्ट इसलिए क्योंकि ये शहर बेहद आधुनिक होंगे, इनमें लोगों की जरूरत की हर एक चीज मौजूद रहेगी, यानी इन शहरों में मॉडर्न और लग्जरी लाइफ जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं होंगी। स्मार्ट सिटी एक ज्यादा एफिशिएंट शहर होगा और ये एफिशिएंसी कोई एक प्रकार की एफिशिएंसी नहीं होती, एफिशिएंसी आप किस प्रकार से एनर्जी मैनेज करते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है, किस प्रकार से आपका यातायात मैनेज किया जाता है उसमें एक एफिशिएंसी होती है, किस प्रकार से म्यूनिसिपल सर्विसेज सुअरेज वाटर सप्लाई ये सब मैनेज की जाती हैं, कैसे सप्लाई किया जाता है, इन सब चीज़ों में एक एफिशिएंसी आती है। इन शहरों में वर्ल्ड क्लास स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होगी जहां छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगी। कुछ इस तरह के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होंगे जहां लोगों को 24 घंटे इलाज मिल सकेगा। चमचमाते हुए शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे होंगे जहां से हर वक्त देश और विदेश के लिए उड़ानें मिलेंगी। स्मार्टनेस हर किस्म के फंक्शन में स्मार्टनेस आ सकती है। मेरे को एक एक्सीडेंट मेडिकल एक्सीडेंट होता है घर में और मुझे मेडिकल केयर की ज़रूरत है, मैं ये नहीं पूछता कि मैं कौन से हॉस्पिटल जाऊं, मैं एक स्मार्ट सिटी में मेरा प्रॉब्लम इमीडिएटली पूरे मेडिकल सिस्टम को पता चल जाएगा और वहां पर जो शहर को मैनेज कर रहे हैं वो ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि